असलम आई होप यू ऑलरेडी वेल। तो जो भी बच्चे बायनुअल का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो 10th के हो, चाहे वो 11th के हो, चाहे वो 12th के हो, तो वो सभी मुझे बस एक ही बात पूछते हैं कि क्या हमें बायनुअल एग्जामिनेशन में भी ग्रेस मार्किंग होती है क्या, मतलब ग्रेस मार्क्स हमें भी मिलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जब वो एनुअल रेगुलर का एग्जाम होता है आपका, तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपका कोई भी सब्जेक्ट है, मैं एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर कोई भी सब्जेक्ट है फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें अगर 25 मार्क्स पासिंग मार्क्स है ओके, और आपके आ रहे हैं 20 मार्क्स ओके, ये मैं मैक्सिमम ले रहा हूँ, अगर आपके 20 मार्क्स आ रहे हैं और बाकी सब्जेक्ट जो है आपके पास है, तो इस सब्जेक्ट में आपके 5 मार्क्स पेंडिंग है ताकि आप पास हो जाओ। तो आपको एनुअल रेगुलर में क्या किया जाता था, उसमें आपको वो 5 मार्क्स देके आपका वो सब्जेक्ट पास किया जाता था, राइट। देखो इट इज फ्रॉम 1 to maximum 5, मैक्सिमम आपको जो ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं वो है 5। सेम वही चीज होता है जो एनुअल रेगुलर में होता है, तो सेम इनको भी ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं ठीक है, लेकिन वही मैक्सिमम लिमिट है 5 मार्क्स। देखो अब मैं आपको समझा देता हूँ ग्रेस मार्क्स कैसे दिए जाते हैं एक बच्चे को। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया एक सब्जेक्ट है और उसमें आपके 5 मार्क्स पेंडिंग है, उसमें कंडीशन ये होनी चाहिए बाकी सब्जेक्ट्स पास होने चाहिए, तब जाके आपके ये 5 मार्क्स होंगे, तो 5 मार्क्स देके आपका वो सब्जेक्ट पास किया जाएगा। लेकिन अब अगर हम ऐसा कोई सब्जेक्ट लें, फॉर एग्जांपल किसी के 2 सब्जेक्ट रेपियर आ रहे हैं और बाकी 3 सब्जेक्ट्स उसके पास है, 2 सब्जेक्ट रेपियर में मतलब फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं एक सब्जेक्ट में भी 25 मार्क्स पास है, दूसरे सब्जेक्ट में भी 25 मार्क्स पास है ठीक है, अब उसको एक सब्जेक्ट में 23 आ रहे हैं और दूसरे सब्जेक्ट में 22 आ रहे हैं, तो इन दो का अगर हम सम करें, देखो एक में 2 मार्क्स पेंडिंग है और एक में 3 मार्क्स पेंडिंग है, तो इन दो का अगर हम सम करें वो आता है 5, तो उसको दोनों सब्जेक्ट्स पास किए जाएंगे, मतलब उसके 5 सब्जेक्ट्स पास हो गए। अब अगर फॉर एग्जांपल उसके एक में भी 3 मार्क्स पेंडिंग होते हैं और दूसरे में भी 3 मार्क्स पेंडिंग होते हैं, तो उसमें अगर हम सम देखें वो 3+3 आता है 6। आपको ये बताएगा एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में तो ग्रेस मार्क्स दे ही देंगे, नहीं, ये टोटल सम्मेशन होता है, हर एक सब्जेक्ट का टोटल सम्मेशन होता है ठीक है, वो मोर देन 5 नहीं आना चाहिए। अब अगर हम ऐसे भी मैं आपको समझा सकता हूं, देखो आपके 2 सब्जेक्ट्स फॉर एग्जांपल एक में भी 3 मार्क्स पेंडिंग है और दूसरे में भी 3 मार्क्स पेंडिंग है, और जो बाकी के आपके 3 सब्जेक्ट्स है वो तो पास है, उनमें तो आपको पासिंग मार्क्स के लिए 0 मार्क्स चाहिए ना, बिकॉज ऑलरेडी वो पास है ठीक है, तो 0+0+3+3+0 तो वो हो गया 6 मार्क्स, तो आपके ये दोनों सब्जेक्ट पास नहीं होंगे ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल हम ऐसे बताएं किसी के 5 सब्जेक्ट्स में फॉर एग्जांपल 25-25 मार्क्स पासिंग मार्क्स है, लेकिन उसके हर एक सब्जेक्ट में 24-24 मार्क्स आ रहे हैं ठीक है, तो अगर हम इनका समेशन करें, देखो एक में भी आपको 1 मार्क्स पेंडिंग है, मतलब 5 सब्जेक्ट में आपके 1-1 मार्क्स पेंडिंग है, तो आप कैसे देखोगे कि आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे या नहीं, तो इन सब का समेशन करो, 1+1+1+1+1 तो वो हो गया 5 ठीक है। अगर 5 से कम भी आता है तो आपको तब भी ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, अगर 5 भी आता है तब भी आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको देखो ऐसे 1+1+1 जो हमने 5 किया, तो आपके 5 सब्जेक्ट्स पास किए जाएंगे। तो अब अगर हम बताएं इनका अगर समेशन फॉर एग्जांपल किसी भी सब्जेक्ट में 2 मार्क्स पेंडिंग हो और बाकी में 1-1, तो ये अगर सम हम करें वो 6 आएगा ठीक है, तो आपका कोई भी सब्जेक्ट पास नहीं होगा। कोई बताएगा 1 मार्क्स तो देना ही चाहिए था, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपको ग्रेस मार्क्स तभी दिए जाएंगे जब आपका पूरे सब्जेक्ट्स का समेशन, मतलब पासिंग मार्क्स के लिए कितना मार्क्स चाहिए उसका समेशन, अगर आपका 5 या 5 से लेस आता है तब आपके वो सब्जेक्ट्स पास हो जाएंगे, अदरवाइज वो आपका रिपेयर आ जाएगा ठीक है। तो यही मुझे कहना था कि ग्रेस मार्क्स कैसे मिलते हैं और किन बच्चों को मिलते हैं। आपको ये बताएगा कि किसी का पास हो गया उसके भी ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, नहीं, ये बस इन्हीं बच्चों को मिलते हैं जो मैंने आपको बाकी क्राइटेरिया बताया कि कैसे क्या ग्रेस मार्किंग का क्राइटेरिया होता है, उनका नहीं होता, जो आप ऑलरेडी पास है उनको 5 मार्क्स दे दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो से पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन ही मिली होगी, और अच्छे से अपने पेपर्स करो, पूरा पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, बस अटेम्प्ट ही नहीं करना, मतलब टू द पॉइंट आंसर लिखने की कोशिश करो, तो आपका आराम से हर कोई सब्जेक्ट पास हो जाएगा ठीक है। अगर कोई ये बताएगा मैं पूरा नहीं कर पाता, देन मेक श्योर कि आप एटलीस्ट 70-80%, एटलीस्ट मतलब कम से कम, उससे कम नहीं ठीक है, एटलीस्ट 70-80% अगर आप पेपर अटेम्प्ट करते हो, आप वो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका पेपर अच्छे से पास हो जाएगा अच्छे मार्क्स से ओके। सो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, शेयर करें हर एक बच्चे के साथ जो भी अभी बायनुअल का एग्जाम दे रहा है, चाहे वो 10th का हो, 11th का हो या 12th का हो ठीक है, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। सो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।